मिलाकर परमेश्वर की प्रेजेंस में खुदा का धन्यवाद करें। सभी जन, सभी ब्रांचेस, ऑनलाइन क्लीसिया, हेड चर्च और ब्रांचेस, सभी जन हाथों को हिलाएं, धन्यवाद करें परमेश्वर का कि जैसे वचन कहता है कि सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर के घर में आना अनिवार्य है। सो जितने भी जन आज संडे रविवार को प्रभु के घर में हैं, आप एक एक जन ब्लेस्ड हैं, आत्मा से भरेंगे, आज सामर्थ से भरेंगे और आपने आज आपने बड़े विश्वास को दर्शाया जो आप प्रभु के घर में एक मन सभी और वर्षिप आराधना में परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। सो आप सभी ब्लेस्ड हैं। सो अब समय वो है, आज वो दिन है जब हम परमेश्वर के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए बोएंगे। सो सभी जन ब्रांचेस ऑनलाइन क्लिक से अपने स्थान पर बैठ जाए क्योंकि अब समय बोने का है, अपना बेस्ट बोने का है, अपना बेस्ट प्रभु को देने का है, प्रभु के राज्य को बढ़ाने का समय है। और अपनी आमदनी में से, जैसे कि प्रेरित पौलुस ने कहा था फर्स्ट कुरिन्थियों 16 उसकी 1 और 2 में कि अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसियाओं को दी वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास अलग रख छोड़ो और उस अलग रखे हुए को सप्ताह के पहले दिन प्रभु के घर में ले आओ। हालेलुया। सो अब वो समय है कि जो हमने पूरा हफ्ता अपना जो अलग रख छोड़ा था परमेश्वर के लिए, जब भी हम प्रार्थना में बैठते हैं, सभी क्लीसियाँ जानती जो प्रेयर वॉरियर्स हैं, सो अपनी आमदनी में से हम हर रोज प्रार्थना में से, मैं तो ऐसे करती हूँ, अलग रख छोड़ते हैं और वो जमा करके सप्ताह के पहले दिन रविवार को हम परमेश्वर की प्रेजेंस में ऑफरिंग के टाइम पर प्रभु के लिए बोते हैं। सो इसी तरह से सभी क्लीसियाँ भी कर सकती है, जब आप रोज प्रार्थना करते हो तो उसमें से, जैसे कि प्रेरित पौलुस ने कहा कि अपनी आमदनी में से कुछ कुछ अलग रख छोड़ो। सो हर रोज जब आप प्रेयर करो तो अलग रख सकते हो आप, और उस पूरे हफ्ते में अलग की गई प्रार्थना की ऑफरिंग को आप प्रभु के घर में सप्ताह के पहले दिन संडे के दिन आप बोल सकते हो। हालेलुया। सो सभी जन ऊंचा उठाएं अपनी ऑफरिंग को क्योंकि ये परमेश्वर का आदेश है और परमेश्वर ने ये आपको सजेशन नहीं दिया, ये हुक्म है खुदा का कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ। जब हम नहेमिया की पुस्तक 38 से पहले 37 में पढ़ेंगे जिसमें लिखा कि इसराइलियों ने डिसाइड किया कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के भवन को बनाने के लिए, परमेश्वर के भवन के कामों के लिए सभी इसराइलियों ने डिसाइड किया कि हम बोएंगे, दशमांश को इकट्ठा करेंगे परमेश्वर के भवन में। तो उन्होंने लिखा नहेमिया 10 उसकी 37 में कि हम अपना पहला गूंथा हुआ आटा, उठाई हुई भेंटे, सब प्रकार के वृक्षों के फल, नया दाखमधु, टटका तेल अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास अपने अपनी भूमि की उपज का दशमांश लेवियों के पास लाया करेंगे क्योंकि वे लेविया हैं जो हमारी खेतों के सब नगरों में दशमांश लेते हैं। और इसी के 38 में लिखा कि जब जब लेविया दशमांश ले तब तब उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे और लेविया दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर के भंडार भवन के कोठरियों में, यानी कि परमेश्वर के भवन में, यानी कि चर्च भवन की उस कलेक्ट करने वाली जगह पर, परमेश्वर के चर्च भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में जमा करने के स्थानों पर फाइनेंस टीम के पास पहुंचाया करें क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने वाले याचक और द्वारपाल गए रहते हैं उनमें इजरायली और लेविया अनाज, नए दाखमधु, टटके तेल की उठाई हुई भेंटे पहुंचाएंगे। सो सभी इजरायलियों ने नहेमिया के समय पर ये डिसाइड किया कि हम परमेश्वर के भवन के लिए हम बोएंगे, हम दशमांश को बोएंगे, अपनी हर चीज का दसवां हिस्सा देंगे और परमेश्वर का जो भवन है उसकी कोठरियों में, उसके भंडार में हम पहुंचाएंगे। और आखिर में लिखा कि इस प्रकार हम अपने परमेश्वर के भवन को ना छोड़ेंगे। सो इस प्रकार से हम दशमांश देने के द्वारा, फाइनेंशियल सपोर्ट के द्वारा हम परमेश्वर के भवन को ना छोड़ेंगे। सो इसी रीति से आप सभी जन जितने भी हर चर्च में ऑनलाइन क्लिस से ब्रांचेस अंगीकार करें ऊंची आवाज में कि यस परमेश्वर, हम बोने के द्वारा तुझे कभी ना छोड़ेंगे, हम बोने के द्वारा तुझे कभी ना छोड़ेंगे परमेश्वर, हम बोएंगे तुझे कभी ना छोड़ेंगे, ऊंची आवाज में अंगीकार करें सब क्लिसियां। जिस तरह से नहेमिया के समय पर लोगों ने अंगीकार किया कि परमेश्वर हम तेरे भवन में, चर्च में, भंडार में जहां पर पैसा इकट्ठा किया जाता, परमेश्वर तेरे भवन में हम बोएंगे दशमांश, अपनी हर उस चीज का, अपने पैसे का, अपनी आमदनी का हम दशमांश देंगे, परमेश्वर के चर्च भवन में इकट्ठा करेंगे। और परमेश्वर हम ये तेरे साथ ये वायदा करते हैं, उन्होंने डिसीजन लिया इसराइलियों ने कि परमेश्वर हम तुझे कभी ना छोड़ेंगे, तेरे भवन को कभी ना छोड़ेंगे।
सो इसी रीति से आज भी ऐसी कलीसियाएं चाहिए जो भारी भोज रखे और बर्डन स्ट्रेस रखे परमेश्वर के कामों को करने का। नहेम्या भी एक ऊंची पोस्ट पर था, बिल्कुल रिलैक्स था, इजी था और उसकी लाइफ बिल्कुल स्ट्रेस फ्री थी, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के भवन को बनाने का, परमेश्वर के चर्च भवन की बाउंड्रीज को, शहर पनाह को बनाने का उसने क्या पीड़ा उठाया, उसने स्ट्रेस लिया, उसने कहा कि मैं उठूंगा और परमेश्वर के घर को बनाऊंगा। सो आज जितने भी जन चाहे एक ही जन घर में से, छह जियों में से अगर एक ही जन आज डिसाइड कर ले कि यस मैं परमेश्वर के भवन में जो है फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए आज मैं उठूंगा, परमेश्वर के घर को कभी ना छोड़ूंगा। जिस तरह से नहेम्या के समय पर इसराइलियों ने बोझ लिया, उन्होंने अंगीकार किया कि हम बोएंगे प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के भवन के लिए। सो इसी रीति से आज अगर हम भी एक एक जन परमेश्वर के राज्य के लिए अंगीकार करेंगे, परमेश्वर हम तेरे भवन को कभी ना छोड़ेंगे, अब हम अपनी आमदनी का दसवां हिस्सा परमेश्वर तेरे भवन में देंगे, तो यस जिस तरह से उस समय पर परमेश्वर का भवन बना और दूसरे शत्रु जो थे जो कि परमेश्वर को नहीं मानते थे वो शर्मिंदा हुए थे और कहने लगे कि ये कैसे पॉसिबल हो गया कि नहेम्या के द्वारा परमेश्वर का भवन बन गया, ये कौन व्यक्ति आ गया, कौन उठ खड़ा हुआ कि जो टूटा हुआ था परमेश्वर का भवन वो कैसे बन गया, परमेश्वर के नाम को कैसे महिमा मिल गई। तो लोग शर्मिंदा थे, सरप्राइज्ड और शॉक्ड थे। सो उसी रीति से परमेश्वर का भवन आज फिर से बन रहा है और आज फिर परमेश्वर कहता है इसराइलियों को, यहूदियों को, अपनी कलीसियाओं को, विश्वासियों को कि यस हम भी आज डिसीजन लें परमेश्वर के लिए, डिसाइड करें कि परमेश्वर हम तेरे भवन को कभी न छोड़ेंगे, हम अपनी आमदनी का जो है दसवां हिस्सा टाइथ जो है परमेश्वर तेरे घर में, तेरे भवन में बोएंगे ताकि परमेश्वर तेरे काम पूरे हों। सब कलीसिया कहें आमेन। और इसी रीति से जब हम एज़रा को पढ़ते हैं, नहेम्या से पहले की पुस्तक 2:68 में लिखा, इसमें लोगों ने अपनी अपनी आमदनी में से, जो हमने नहेम्या में पढ़ा, लोगों ने अपने टाइथ को देने का परमेश्वर के साथ वायदा किया। और एज़रा में हम पढ़ते हैं कि लोगों ने भेंटे देने का, ऑफरिंग्स जो कि दसवें से अलग होती हैं, जो हम पर निर्भर करता है कि हम कितना बोना चाहते हैं, सो वो भेंटे, ऑफरिंग, हदिया, दान जो है स्पेशल सीड, एज़रा के समय पर लोगों ने डिसाइड किया कि टाइथ के बाद हम एक स्पेशल सीड भेंट प्रभु के राज्य के लिए बोएंगे। सो एज़रा 2:68 में लिखा कि पितरों के घराने के कुछ मुख्य पुरुषों ने जब यहोवा के भवन को जो यरूशलेम में है आए, तब परमेश्वर के भवन को उसी के स्थान पर खड़ा करने के लिए अपनी अपनी इच्छा से कुछ दिया। जब वो लोग आए, गुलामी से छुड़ाए गए और वापस आए, जब देखा उन्होंने कि परमेश्वर का भवन बनने वाला, टूटा है, उसे बनना चाहिए परमेश्वर के भवन को, जो जरूरी है क्योंकि शत्रु ने सबसे पहले अटैक भवन पर किया था कि भवन टूट गया, यस हम बनाएंगे, उन्होंने भी डिसीजन लिया। तो उन लोगों ने, पितरों के घराने के कुछ मुख्य पुरुषों ने, सो उसी रीति से सब कलीसियाओं में से जिनको परमेश्वर ने स्पेशल बोझ दिया है फाइनेंशियली प्रभु के भवन को बनाने का, सो वो मुख्य पुरुषों से मैं कह रही हूं कि उन मुख्य पुरुषों ने क्या किया, परमेश्वर के भवन को उसी के स्थान पर खड़ा करने के लिए अपनी इच्छा से कुछ दिया। सो इसी रीति से सेम आज भी वो समय है कि प्रभु का भवन बन रहा है, हम अपनी इच्छा से प्रभु के घर के लिए बोएं वो धन्यवाद की भेंट, वो स्पेशल सीड, स्पेशल ऑफरिंग हम प्रभु के राज्य के लिए बो सकते हैं। क्योंकि उस समय जब लोगों ने बोया था तो वचन में लिखा कि उन्होंने अपनी अपनी पूंजी के अनुसार जितना जितना उनकी इच्छा हुई उन्होंने धन्यवाद की भेंट अपनी ऑफरिंग को बोया, और वो टोटल 61,000 दरकमोन सोना और 5,000 माने चांदी और याजकों के योग्य 100 अंगरखे अपनी अपनी इच्छा से उस काम के खजाने में, परमेश्वर के भवन के खजाने में सबने दे दिए। सो ये परमेश्वर का वचन है जिसमें पूरा प्रभु ने नाप तोल कर कितना कितना टोटल ऑफरिंग कितनी हुई वो भी बता दी परमेश्वर ने। सो ये ट्रू है, परमेश्वर का वचन सदा की रीत है, हमेशा से चला आ रहा है, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी वचन कहता है तब तक बोने और काटने का समय निरंतर होता चला जाएगा। और वचन कहता है कि सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर के भवन में जो जो आपने पूरा हफ्ता अपनी ऑफरिंग को अलग रख छोड़ा उसे प्रभु के भवन में ले आओ ताकि परमेश्वर के भवन के काम पूरे हों। नहेम्या के समय पर लोगों ने डिसाइड किया कि हम दशमांश को देंगे। एज़रा के समय पर जो लोगों ने देखा कि परमेश्वर के भवन को बनाना जरूरी है परमेश्वर की महिमा के लिए, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपनी आमदनी में से, अपनी इच्छा से प्रभु के घर के लिए कुछ देंगे। और जो दिया वो इतना हो गया, सोना, चांदी और अंग रखे, महंगे वस्त्र के 61,000 तरकमन सोना और 5,000 चांदी इकट्ठा हो गई परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए। सो उसी रीति से वही
मसा आज हमें छूता है, वही पवित्र आत्मा आज हमें छूता है। हम उसी वचन को फॉलो करते हैं, उसी परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ते हैं, जो वचन हमारी जिंदगियों में काम करता है। सो जिस तरह से उस समय पर इसराइलियों के मन में बोझ डाला था प्रभु ने, नहेम्या के समय पर, एस्रा के समय पर, प्रेरितों के समय पर, प्रेरित पौलुस के समय पर, परमेश्वर ने उन्हें बोझ दिया था प्रभु के कामों को करने का। सो उसी तरह से जरूरी है कि प्रभु के कामों को करने के लिए हम बोएं, हम बीजों को बोएं ताकि प्रभु के काम पूरे हो सके। और परमेश्वर कहता है कि मैं अपने महिमा में धन में से तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करूंगा। जब हम परमेश्वर के लिए बोएंगे अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी जरूरतों को भूलकर, तो परमेश्वर कहता है कि मैं अपने स्वर्गीय भंडारों में से, अपने महिमा में धन में से, वो धन जिसमें गरीबी नहीं, वो धन जिसमें एक्सीडेंट्स नहीं, जिसमें कोई बीमारी नहीं है, जिसमें हमेशा के लिए एक बरकत है, परमेश्वर कहता है वो महिमा में धन मैं तुझे दूंगा, हर एक घटी को मैं तेरी लाइफ से दूर करूंगा। सब क्लीसा कहें आमीन। सो सभी जन ऊंचा उठाएं अपने टाइट को। थैंक यू जीसस। जितने भी जन बो रहे हैं, खुदावन तेरे वचन को पूरा कर रहे हैं, टाइट को दे रहे हैं परमेश्वर। इसराइलियों ने डिसाइड किया था खुदावन कि यस परमेश्वर के लिए हम बोएंगे, अपने दसवें हिस्से को हम निकालेंगे और बोएंगे। और उन्होंने अंगीकार किया था ऊंची आवाज में बोते समय, दशमांश देते समय के परमेश्वर हम तेरे भवन को कभी न छोड़ेंगे। सो उसी रीति से परमेश्वर सेम स्पिरिट के साथ, सेम खुल दिली के साथ आज जितने भी जन परमेश्वर बो रहे हैं खुदावन, तू एक एक जन को छुएगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हे परमेश्वर, हम तुझे परखते नहीं खुदावन, क्योंकि खुदावन तू ही हमारा सच्चा परमेश्वर, जीवित है, सारे मर गए लेकिन एक ही जी उठा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम तुझ पर पूरा विश्वास करते हैं परमेश्वर, तेरे वचन को पूरा करते हैं। और आज जितने भी जन अपने टाइत को दे रहे हैं खुदावन, तेरे वचन को पूरा करते हैं, विश्वास करते हैं तुझ पर परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें चुन लिया परमेश्वर, लाखों की भीड़ से, बीमारों पापियों में से तूने हमें अलग किया, हमें परमेश्वर अपने लहू से धोया, पाक साफ किया। आज हम तेरी प्रेजेंस में इकट्ठे तेरी वर्षीय आराधना करते हैं खुदावन, तेरा धन्यवाद है खुदावन। धन्यवाद एक एक जन के लिए, एक एक क्लीसिया मेंबर के लिए, ऑनलाइन क्लीसियों के लिए और ब्रांचेस के लिए परमेश्वर, तेरा धन्यवाद है खुदावन। सो आज जितने भी जन परमेश्वर तेरे इस वचन को पूरा करते हैं, जो तेरे फैसले को के सारे दशमांश भंडार में ले आओ, और इसराइलियों की तरह जितने भी आज अंगीकार कर रहे हैं कि परमेश्वर हम दशमांश देंगे और तेरे भवन को कभी ना छोड़ेंगे। सो जितने भी टाइट के साथ खुदावंद अपने हाथों को ऊंचा उठाए हुए हैं परमेश्वर, यस खुदावंद तो एक एक जन के हाथ को छुएगा, इनके हाथों को बरकत के हाथ बना देगा परमेश्वर, और इनके इनके दिए का तू इन्हें बदला देगा परमेश्वर, क्योंकि दरवचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। सो जितने भी जन परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बो रहे, तेरा आत्मा इन्हें छुएगा, पवित्र आत्मा से तू भरेगा, इनके हाथों को छुएगा और बरकत देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।